आज विकासखंड नजीबाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ब्लॉक परिसर में विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 24 जोड़े शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्री अवधेश कुमार, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता, भाजपा जिला महामंत्री किसान व्हाइट मोर्चा चौधरी विक्रम सिंह खोबे, भाजपा जिला सदस्य कमल सैनी, खंड विकास अधिकारी श्री ज्ञान सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर नरेगा पिछला वर्ग अधिकारी व्हाइट कृष्ण मोहन सिंह, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पंडित दिनेश चौबे, पंडित डॉक्टर दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम चौधरी विक्रम सिंह खोबे है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला महामंत्री जयपुर के पद पर आसीन हूँ। जी, ये जो आपने सामूहिक विवाह हो रहा है, ये किस उद्देश्य से करा रहे हैं ये कार्यक्रम? ये जो आज सामूहिक विवाह का यहाँ आयोजन ब्लॉक नजीबाबाद में आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो हमारे गरीब और पिछड़े लोग हैं, मतलब उनकी सहायता के लिए जो कन्या हैं और युवक हैं, उनको एक सामूहिक रूप से यहाँ विवाह का आयोजन किया गया है और उनको 51,000 रुपये सरकार की तरफ से यहाँ राहत देने की एक व्यवस्था की गई है, उसको शामिल की गई और यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विधिवत रूप से उनके विवाह का सारा आयोजन किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के रूप में और यहाँ खाने की व्यवस्था भी है और उनको कुछ बर्तन भी भेंट किए गए हैं और कुल मिला के 51,000 की ये आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। जो ये मतलब रिश्ते, ये खुद होते हैं या मतलब आप लोग करवाते हो रिश्ते? ये हम नहीं कराते हैं, ये लड़की पक्ष और लड़का पक्ष आपस में तय करते हैं। यहाँ विवाह से पहले कुछ समय पहले डेट दी जाती है, तारीख दी जाती है, उसमें सब आके लड़का पक्ष और लड़की पक्ष अपनी सामूहिक सहमति देते हैं कि हम शादी के लिए सहमत हैं और अपना नाम रिसेंट डेट सहित और एड्रेस यहाँ नोट कराते हैं। उसके बाद इनको डेट दी जाती है कि डेट को आप सब यहाँ आएंगे, इतने समय आएंगे, आपका विवाह जो सरकार के हिसाब से योजना में करा दिया जाएगा।